जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए, लौट कर ऋषभ पंत सोशल मीडिया पर वापस आए। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट और मैं हूं आपके साथ रुचि। हां, 30 दिसंबर 2022 के बाद अब फाइनली ऋषभ पंत सोशल मीडिया पर वापस आ चुके हैं। उन्होंने एक्सीडेंट के बाद ट्विटर पर कुछ पोस्ट किए हैं जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इतना ही नहीं, फैंस इस सवाल से भी काफी कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान है कि पंत के मैदान पर बतौर खिलाड़ी कब तक वापसी हो सकती है। आज इस सवाल का जवाब भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आइए बिना वक्त जाया किए करते हैं शुरुआत। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। एक्सीडेंट के बाद पंत के ट्वीट। दरअसल पंत का ट्रीटमेंट अभी मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसके चलते पंत ने एक के बाद एक ट्वीट्स अपने साथी खिलाड़ियों, डॉक्टर्स और फैंस के लिए किए। यहां तक कि पंत ने उन दो शख्स के लिए भी ट्वीट किया है जिन्होंने पंत को अस्पताल पहुंचाया था। तो आइए बारी बारी आपको दिखाते हैं पंत की तरफ से किए गए ट्वीट। सबसे पहले देखिए आप ये वाला ट्वीट जिसमें पंत ने लिखा है, अपने दिल की गहराई से मैं अपने सभी फैंस, टीम के साथियों, डॉक्टरों को मुझे एनकरेज करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सभी को मैदान पर देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। अब देखिए दूसरा ट्वीट जिसमें पंत ने लिखा, मैं सभी के समर्थन और शुभकामनाओं के लिए विनम्र और आभारी हूं। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सर्जरी सफल रही, रिकवरी का रास्ता है और मैं आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हूं। बीसीसीआई और जय शाह को टैग करते हुए पंत ने उन्हें भी धन्यवाद कहा है। और अब देखिए वो ट्वीट जिसे पंत ने उन दो शख्स के लिए किया है जिन्होंने पंत को हॉस्पिटल पहुंचाया था। हो सकता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊं, लेकिन मुझे इन दो नायकों को स्वीकार करना चाहिए जिन्होंने मेरी दुर्घटना के दौरान मेरी मदद की और सुनिश्चित किया कि मैं सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचूं। रजत कुमार और निशु, आपका धन्यवाद, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। पंत की मैदान पर वापसी कब तक हो सकती है? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि पंत इस बार के आईपीएल यानी आईपीएल 2023 से रूल्ड आउट हो चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उन्हें इंजरी से रिकवर होने के लिए अभी कम से कम 8 से 9 महीने का समय लगेगा। यानी सितंबर में होने वाले एशिया कप के अलावा वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भी पंत का नजर आना काफी ज्यादा मुश्किल है। आईपीएल वाली खबर सुनने के बाद खासकर पंत के फैंस इस बात से काफी ज्यादा निराश हैं कि पंत यानी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ही आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे, तो टीम ऐसा प्रदर्शन दिखाएगी। पंत ने एक बहुत ही लंबा सफर टीम के साथ तय किया है, ऐसे में अचानक उनका रेस्ट लेना या कहीं कि टीम से बाहर होना खिलाड़ियों के खेल पर भी असर डाल सकता है। लेकिन उम्मीद यही है कि जैसा भी होगा अच्छा होगा पंत के लिए। आप भी प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द उनकी मैदान पर वापसी हो सके और फैंस के चेहरों पर फिर से वही हंसी और वही खिलखिलाहट भी लौट सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए टाइमली लाते रहेंगे। इसलिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।